हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं एक कंपैरिजन लेकर आया हूँ। हम बात कंपैरिजन करने जा रहा हूँ होंडा प्राइडर का सुजुकी के GD110S 2024-2025 मॉडल के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि प्राइडर का भी नया मॉडल 24-25 का आ चुका है, और आज की वीडियो के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या प्राइडर एक अच्छा ऑप्शन है 100cc कैटेगरी में या फिर सुजुकी GD110S। मैंने आप लोगों के लिए 40 पॉइंट निकाले हैं, मैंने दोनों के हवाले से जो हेड टू हेड बात की है। हम ऐसा करेंगे कि दोनों के हवाले से मैं हेड टू हेड आपसे बात करूंगा। आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे बल्कि आज हम बात करेंगे दोनों के कंपेटिटिव को लेकर के, दोनों में से बेहतर बाइक कौन सी है, कौन से ऑप्शन किस बाइक में हमें बेहतर मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, वन बाय वन हेड टू हेड दोनों बाइक्स को देखते हैं और फिर फाइनली मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा। ये 20 पॉइंट आई होप सो आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर देंगे और आप लोग जान पाएंगे कि हमारे लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो रीसेल को लेकर है कि रीसेल में क्या सुजुकी GD110S बेहतर है या फिर रीसेल के अंदर होंडा प्राइडर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो रीसेल के हवाले से बताया चलूँ कि रीसेल दोनों की ही अच्छी है, बट यहाँ पर रीसेल के हवाले से जो बेहतर बाजी ले जाता है वो आपको GD110S के मुकाबले में होंडा प्राइडर ले जाता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि होंडा का जो है वो प्राइडर हाथों हाथ सेल होने वाला बाइक है, जबकि सुजुकी GD110S है आपको इंस्टॉलमेंट पर भी मिल जाता है। तो इंस्टॉलमेंट पर विदाउट इंटरेस्ट मिलने की वजह से जो रीसेल में जो है वो समटाइम इशू क्रिएट करता है और रीसेल आपको कम देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो ब्रांड नेम है। आप लोगों को बताया चाहूँ कि दोनों का ब्रांड नेम बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बेहतर ब्रांड नेम होंडा का रहता है और इसी वजह से जो है होंडा की रीसेल भी हमें बेहतर नज़र आती है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो चीप प्राइस को लेकर है, चीप पार्ट्स को लेकर है। दोनों के पार्ट्स आपको मार्केट में जो है वो आफ्टर सेल भी अवेलेबल हैं और शोरूम से भी मिल जाते हैं, बट कंपैरेटिवली होंडा के जो पार्ट्स हैं, होंडा प्राइडर के पार्ट्स, वो आपको काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। ऑलमोस्ट आपको 3 times सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू सुजुकी GD110S। अगर सुजुकी GD110S का एक पार्ट आपको 1000 रुपये का पड़ रहा है तो वही सेम पार्ट आपको प्राइडर का जो है वो तकरीबन 300 से 400 का पड़ता है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है वो पार्ट्स के रिलेटेड हमें प्राइस में डिफरेंस नज़र आता है, जहाँ पर प्राइडर जो है वो बाजी लेता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कम्फर्टबिलिटी के हवाले से, कम्फर्ट राइड दोनों में से कौन सा बेहतर दे रहा है, क्या प्राइडर बेहतर कंफर्ट राइड देता है या फिर सुजुकी GD110S बेहतर आपको राइड प्रोवाइड कर रहा है कंफर्टेबिलिटी के हवाले से। गाइस, कंफर्टेबिलिटी के हवाले से बताता चलूं कि प्राइडर के मुकाबले में सुजुकी GD110S इसलिए बेहतर है क्योंकि इसके अंदर आपको जो है वो राइडिंग एक्सपीरियंस एक तो अच्छा देखने को मिल जाता है और साथ साथ जो है जो सस्पेंशन यूज़ की गई हैं, जो इंजन की पावर देखने को मिलती है, साथ बैलेंसर शिफ्ट आ जाता है। तो यह सारी चीज़ों की वजह से कंफर्टेबिलिटी में जो ज़्यादा बेहतर रहती है वो आपकी सुजुकी GD110S रहती है एज़ कम्पेयर टू होंडा प्राइडर। नेक्स्ट बात कर लीजिए फीचर्स को लेकर, फीचर्स में भी सुजुकी GD110S बेहतर है प्राइडर से क्योंकि हमारे पास बेहतर फीचर नज़र आते हैं सुजुकी GD110S में, जिसमें हमें अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है, ओडोमीटर की ऑप्शन मिल जाती है, ट्रिप इंटर मिल जाता है और साथ साथ आपको डिपर भी देखने को मिलता है। ओवरऑल जो लुक एंड डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो है वो फीचर्स के हवाले से बहुत बेहतर रहता है एज़ कम्पेयर टू प्राइडर, जबकि प्राइडर में हमें स्पॉक्स रिम मिल रहे हैं, ब्रेकिंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा और काफ़ी चीज़ों में जो है प्राइडर लैग करता नज़र आता है, ना ही यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट हमें नज़र आ रहा है। बात कर लीजिए एवरेज को लेकर, तो एवरेज में दोनों मुझे ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आया। तकरीबन जो है वो 45 से 55 के दरमियान प्राइडर एवरेज दे रही है और 40 से 50 के दरमियान जो है आपको GD110S एवरेज दे रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है वो दोनों के अंदर जो है काफ़ी तक सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं एवरेज को लेकर। चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो लुक एंड डिज़ाइन को लेकर है, तो आप लोगों को बता चलूँ कि लुक एंड डिज़ाइन में आपकी प्रेफरेंस शायद मुझसे डिफरेंट हो सकती है, बट दोनों का लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुनफरिद है। और आम जो CD70 आ रही है उसके मुकाबले में प्राइडर का भी अच्छा डिज़ाइन बनाया गया, और जबकि GD110S का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी स्टाइलिश रहता है। तो अगर मैं दोनों को कंपेटिटिवली देखूं तो मेरे ख्याल में GD110S का जो स्टाइल है, जो लुक है, जो स्ट्रक्चर है, वो कंपेरेटिवली प्राइडर के बहुत ज़्यादा बेटर नज़र आता है। आल दो दोनों के जो है वो नए ग्राफिक्स लॉन्च नहीं हुए, प्राइडर का हमें जो है वो नया ग्राफिक्स देखने को मिलता है जबकि हमें GD110S के पुराने ही ग्राफिक्स मिलते हैं, बट स्टिल जो है वो GD110S के जो ग्राफिक्स पुराने होने के बावजूद भी जो उसका लुक एंड स्ट्रक्चर है वो बेहतर नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू प्राइडर। तो आपकी ओपिनियन शायद इसमें डिफरेंट हो सकती है,
बट आई एम गो विद जो है वो प्राइडर के साथ नहीं, बल्कि मैं जी डी 110S के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे डी जी 110S का डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर फील हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जो याद रहती है कि दोनों बाइक जो हैं वो तीन कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, यानी कि आप फैमिली यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, आउटिंग के लिए भी इस बाइक को लेके जा सकते हैं, और साथ साथ आप जो है वो एज ए स्टूडेंट है तब भी ये बाइक बहुत ही परफेक्ट हैं दोनों के दोनों, क्योंकि इनकी जो सीट्स वगैरह हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फैमिली के लिए भी आप बड़े आराम से इन दोनों बाइक्स को यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ जो है आप ऑफिस के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि आपको एवरेज भी यहाँ पर काफ़ी डिसेंट देखने को मिलती है और एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल जाता है। तो तीनों फॉर्मेट में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बाइक्स रहती हैं। हैंडलिंग के हवाले से बात करी जाए, दोनों की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पर हमें, बट अगर हम यहाँ पर बैटर की बात करें तो बैटर आपको डेफिनेटली जो है वो जी डी 110S की जो हैंडलिंग है वो बेहतर प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू प्राइडर। नेक्स्ट चीज़ सस्पेंशन को लेकर, दोनों की सस्पेंशन काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं और हमें बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जैसे हम खड्डे को या किसी भी जो है इसी तरह की रोड्स को क्रॉस करते हैं, दोनों की सस्पेंशन काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती हुई नज़र आती हैं। बट जो है वो ज़्यादा बेहतर अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो जी डी 110S की बेहतर रहती है। जी डी 110S में एक प्रॉब्लम ज़रूर आ रहा है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से बॉडी नीचे से टच ज़रूर होती है, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्राइडर बेहतर है, बट अगर सस्पेंशन की सिर्फ फोकस किया जाए तो सस्पेंशन में यहाँ पर आपको जी डी 110S ही बेहतर नज़र आएगा। वाइब्रेशन के हवाले से बात करें तो जी डी 110S में बहुत ही मिनिमम वाइब्रेशन रहती है और आपको बाइक बहुत स्मूथ तरीके से चलता है। ऑल दो प्राइडर भी वाइब्रेशन में काफ़ी हद तक बेहतर है कंपेरेटिवली टू अदर बाइक्स, बट यहाँ पर भी जी डी 110S जो है वो बाजी ले जाता है। बात कर लीजिए स्मूथ राइड की लेकर, तो स्मूथ राइड में भी जी डी 110S बेहतर रहता है। इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जी डी 110S बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको 110cc इंजन देखने को मिल रहा है, जबकि आपको जो है वो प्राइडर में सिर्फ 100cc इंजन अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको पावर भी कम प्रोड्यूस होती है, टॉर्क एंड हॉर्स पावर भी आपको वहाँ पर कम देखने को मिलेगी, और जी डी 110S में यहाँ पर भी नंबर ले जाता है। टॉप स्पीड में भी जी डी 110S की जो है वो नंबर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और साथ साथ बात कर ली जाए यहाँ पर आपको सर्विसेज के हवाले से, दोनों की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, दोनों के आपको शोरूम्स इजीली अवेलेबल होते हैं, तो सर्विसेज के मैटर में दोनों ही बाइक्स आपको बेहतर नज़र आएंगी। उसके अलावा गाइस आप लोगों को बता दें, लॉन्ग ड्राइव पे अगर बात करनी चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे दोनों बाइक्स अच्छी रहती हैं, क्योंकि दोनों बाइक्स की जो है वो स्मूथनेस अच्छी है, बाइक की राइडिंग्स अच्छी हैं, दोनों के पोस्चर स्ट्रेट्स हैं, तो जिसकी वजह से आपको लॉन्ग ड्राइव पे भी थकावट ज़्यादा नहीं होती। बट अगर बैटर की बात की जाए तो लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा बैटर जी डी 110S ही रहने वाला है। उसके अलावा बात कर लीजिए चेंजेस को लेकर, तो दोनों बाइक्स में कोई बड़े अपग्रेड्स, बड़े चेंजेस हमें देखने में नज़र नहीं आए, बट स्टिल यहाँ पर अगर चेंजेस में बैटर बात करें तो प्राइडर ने इस दफ़ा ग्राफिक्स चेंज कर दिए हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है। प्राइस की बात कर ली जाए तो दोनों की प्राइस में जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है, तकरीबन 1.5 लाख रुपये का हमें डिफरेंस नज़र आता है, जहाँ पर 2 लाख रुपये की जो है आपको तकरीबन जो है वो प्राइडर देखने को मिल रही है, कंपैरेटिवली जी डी 110S 3.5 लाख रुपये की मिल रही है। तो पूरा 1.5 लाख रुपये का फ़र्क नज़र आता है दोनों बाइक्स के रिलेटेड, जो यहाँ पर जो है वो प्राइडर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। अब फाइनली बात करते हैं दोनों के कंक्लूजन को लेकर के, क्या हमें जी डी 110S लेना चाहिए 3.5 लाख रुपए में, या फिर हमें जो है वो 2 लाख रुपए के अंदर प्राइडर की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि देखा जाए कि अगर दोनों की परफॉर्मेंस के रिलेटेड बात की जाए तो परफॉर्मेंस में कोई इतना बड़ा मुझे अंतर या फ़र्क नज़र नहीं आया, दोनों की परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लीटर बिट बेहतर आपको सुजुकी जी डी 110S नज़र आता है। फीचर्स में भी सुजुकी जी डी 110S थोड़ा सा बेहतर नज़र आया, और ओवरऑल जो चीज़ों को लेकर जैसे वाइब्रेशंस को देखते हैं, सस्पेंशंस को देखते हैं, टॉप स्पीड्स को देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा बेहतर हमें जो है वो प्राइडर के मुकाबले में जी डी 110S नज़र ज़रूर आता है। बट आप लोगों को बता दूँ कि प्राइस का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल में जो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है और वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करता है वो प्राइडर क्रिएट करता है, क्योंकि प्राइडर आपको लगभग जो है वो 90-95% जो है वो सुजुकी जी डी 110 वाली परफॉर्मेंस दे रहा है, बट प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑलमोस्ट आप 2 जो है वो प्राइडर ले सकते हो इन सुजुकी जी डी 110S की प्राइस में, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस निकल कर आता है। तो अगर यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी बाइक को देखा जाए तो जी डी 110S के मुकाबले में प्राइडर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर आपको अच्छा राइड एक्सपीरियंस मिल रहा है, बाइक खूबसूरत देखने को मिल रही है, ग्राफिक्स भी नए देखने को मिल रहे हैं, पोस्चर बाइक का अच्छा है, लॉन्ग ड्राइव, शॉर्ट ड्राइव और साथ फैमिली के लिए, ऑफिस के लिए, हर तरह के फॉर्मेट में सही चलने वाला बाइक है, एवरेज भी ठीक ठाक लेकर आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्राइडर की तरफ जाएँ। अगर आप प्राइस आपके लिए फैक्टर नहीं है तो आप फिर जो है वो जी डी 110S की तरफ जा सकते हैं, बट वैल्यू फॉर मनी की बाइक बात की जाए दोनों के मुकाबले में, तो दोनों में जो वैल्यू फॉर मनी लेकर आता है वो डेफिनेटली प्राइडर लेकर आता है। आपका जो भी ओपिनियन है इनके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।